हक दो तहरीक का कुंटानी हूर के मकाम पर जरगा मुनक्किद। कुंटानी हूर के लिए हक दो तहरीक के कायदीन व कारकुनान काफिले की शक्ल में पहुँच गए। कुंटानी हूर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुतसिल इलाका है जिस पर मुल्की सरहद वाक़ है। मुल्की हालात और सिक्योरिटी के पेशे नज़र रजिस्ट्रेशन का अमल किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ग्वादर जाकिर अली बलोच की दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू। जीवनी के साहिल पर एक दफा फिर माहीगीरों को ट्रॉलर्स नजर आ गए। सिंध के ट्रॉलर्स गैर कानूनी जालों से लेस हो गए, जीवनी की समंदरी हदूद में शिकार करने में मसरूफ थे। जीवनी के माहीगीरों ने ट्रॉलर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हमारे साथ तावुन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। शामिल करेंगे जिला ग्वादर की अहम तरीन खबरों की हाइलाइट्स। हक दो तहरीक का कुंटानी हूर के मकाम पर जरगा मुनक्किद। कुंटानी हूर के लिए हक दो तहरीक के कायदीन व कारकुनान काफिले की शक्ल में पहुंच गए। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के कुंटानी हूर में जरगे से तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और तहरीक के चेयरमैन हुसैन वाडीला का खिताब। हक दो तहरीक बलूचिस्तान ने इंतजामिया की जानिब से स्पीड बोट्स की रजिस्ट्रेशन के अमल को मुस्तरद कर दिया। टोकन से मुतलिक सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुंटानी हूर एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुतसिल इलाका है जिस पर मुल्की सरहद वाक़ है। मुल्की हालात और सिक्योरिटी के पेशे नज़र रजिस्ट्रेशन का अमल किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई तरीके कार वाज़े किया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ग्वादर जाकिर अली बलोच की दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू। महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट की गश्ती टीमों ने पसनी की समंदरी हदूद समेत मुख्तलिफ इलाकों की समंदरी हदूद में बुध के रोज गश्त जारी रखा। महकमा फिशरीज के मुताबिक दौरान गश्त उनको कोई ट्रॉलर्स नजर नहीं आए। गश्ती टीम गैर कानूनी ट्रॉलर्स और वायरेंट के तदारुक के लिए रोजाना की बुनियाद पर गश्त पर मामूर रहेगी। दौरान पेट्रोलिंग ममनुआ जालों से लेस किसी भी कश्ती व लॉन्च पाई गयी तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जीवनी के साहिल पर एक दफा फिर माहीगीरों को ट्रॉलर्स नजर आ गए। सिंध के ट्रॉलर्स गैर कानूनी जालों से लेस हो गए, जीवनी की समंदरी हदूद में शिकार करने में मसरूफ थे। जीवनी के माहीगीरों ने ट्रॉलर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नेशनल पार्टी के मरकजी माहीगीर सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श ने गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और हुकूमत बलूचिस्तान व कानून नाफिज करने वालों से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। नेशनल पार्टी पसनी सरापा एहतजाज बन गई। नेशनल पार्टी ने पार्टी रहनुमा दौरान खान खोसा पर कातलाना हमले के खिलाफ पसनी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन से नेशनल पार्टी के तहसील सदर हकीम बलोच, नायब सदर के बी सईद, मोहसिन भुट्टो और मंजूर मकबूल ने खिताब किया। उनका कहना था कि नेशनल पार्टी के रहनुमा पर कातलाना हमले इसलिए किया गया है कि नेशनल पार्टी जुल्म और जबर के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सूबाई निगरान हुकूमत और मुतल्लिका इदारे नेशनल पार्टी के रहनुमा पर कातलाना हमला करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। मुकर्ररीन ने गैर कानूनी ट्रॉलिंग की तदारुक, पसनी फिश हार्बर जेटी की बहाली, गैर ऐलानिया लोड शेडिंग में कमी और पानी बहरान पर काबू पाने का भी मुतालबा कर दिया। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ग्वादर के SDO इंजीनियर शिराज अमीर से ऑल पार्टीज के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में बोट सास के साइट पर ग्वादर शहर की यूनियन काउंसिल जनूबी को पानी सप्लाई करने वाला पाइपलाइन को मुस्तकिल हल करवाने और उसे मुतबादल जगह नस्ब कराने से मुतलिक तबादला ख्याल किया गया। SDO इंजीनियर शिराज बलोच ने पाइपलाइन जल्द मुतबादल जगह पर नस्ब कराने की यकीन दहानी कराई है। महकमा पुलिस ग्वादर का प्रमोशन कमेटी का इजलास मुनक्किद। इजलास SSP ग्वादर जवाद तारिक के ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में ग्वादर पुलिस के 19 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर महकमाना तरक्की दी गई। इदारे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ग्वादर शहर व गिर्दो नवाही इलाकों में ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत नापेद हो गई। फी लीटर 250 रुपए में बिकने लगा। पेट्रोल के हुसूल के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लाइन लग गई। मकामी पंप्स मालिकान के मुताबिक कुंटानी होड़ की बंदिश की वजह से पेट्रोल की तरसील का अमल बंद हो गया है, जिसकी वजह से ईरानी पेट्रोल नापेद होकर रह गया। जबकि जिन पंप्स मालिकान के पास पेट्रोल का स्टॉक बच गया वो महंगे दामों में फरोख्त करने लगे। ग्वादर में पेट्रोल फी लीटर 250 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगा। जेरे तामीर स्कूल इमारत की ब्लॉक्स में कम मटेरियल डालने का इंकशाफ किया गया। अहले इलाका ने स्कूल इमारत में इस्तेमाल होने वाली ब्लॉक्स को नाकारा करार देते हुए तामीरात बंद कराने और तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। और घट्टी ढोर सुरबंदन हॉट बॉल क्रिकेट सीरीज कप का छठा मैच घट्टी ढोर क्रिकेट क्लब और यंग 11 सुरबंदन क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। मैच घट्टी ढोर क्रिकेट क्लब ने 7 विकेटों से जीत लिया। सीरीज का फाइनल मैच अलवतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन और घट्टी ढोर क्रिकेट क्लब के दरमियान जुम्मेरात को खेला जाएगा। ये थी जिला ग्वादर की अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ग्वादर पोस्ट।